हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मंदीप, आप स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मंदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने हमारी एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर हमने सिक्स क्लास तक कंप्लीट कर लिया और सेवन्थ क्लास का दूसरा लेसन आज हम करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम एनसीईआरटी के फैक्ट और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, मतलब कि जो एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात थी, बात जो बताई गई वे और इसके फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे जो नोटिफिकेशन है वो लगातार मिलते रहें। तो देखिए दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे पाठ का जो नाम है वो क्या है, प्राणियों में पोषण, मतलब कि जो जो जीव जंतु हैं या जो मानव है वे किस प्रकार का पोषण करते हैं। पहले पाठ के अंदर तो हमने पढ़ा था कि पौधों के अंदर पोषण कैसे होता है, तो दूसरा पाठ है प्राणियों के अंदर जो पोषण है वो कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, पहला ही जो हमारी बात है जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है वो क्या है, पाचन क्या है। पाचन मतलब कि जो दोस्तों देखिए, जैसे हम जो पदार्थ खाते हैं, मतलब अपने शरीर के अंदर जो पदार्थ हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उसको, वो जटिल पदार्थों के रूप में होता है, उसे सरल पदार्थों में खंडित करना या बदल देना की जो प्रक्रिया, उसे क्या कहते हैं, पाचन। मतलब कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसके सरल पदार्थों के रूप में बदलकर उसका बदलना या तोड़ने की जो प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं, पाचन। कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है जिस अनेक जंतु इसका सीधे प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है, लेकिन जो बहुत से जंतु इसका सीधा प्रयोग नहीं कर सकते, इसको मतलब टुकड़ों में तोड़कर या किसी अन्य पदार्थ के रूप में बदलकर इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हम स्टार फिश के बारे में पढ़ेंगे। स्टार फिश मतलब इसे तारा मछली भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाले जंतुओं को आहार बनाती है। मतलब कि ये स्टार जो फिश है ये ऐसे जंतुओं को आहार बनाती है जिनका जो कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो। कवच खोलने के बाद यह अपने मुंह में अपना आमाशय बाहर निकालती है। मतलब जब ये जंतु अपना कवच खोल लेते हैं तो ये अपने जो मुँह से अपना आमाशय, मतलब कि इसके जो मुँह से इसका आमाशय बाहर निकलता है तथा जंतु से के कोमल भागों को खा जाती है। मतलब जो स्टार फिश है वो कोमल किन पदार्थों को, किन जंतुओं का अपना भोजन बनाएगी। स्टार फिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का अपना भोजन बनाती है और आमाशय से इसका जो मुंह है वो बाहर निकल जाता है और जंतुओं के कोमल भागों को ये खा लेती है। आमाशय वापस इसका फिर शरीर के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे जंतुओं को पचाता। तो देखिए, स्टार फिश का एक चित्र बनाने की हमने कोशिश की है जो इस प्रकार का है कुछ। मतलब इसके अंदर चार पाँच ये पंखुड़ी सी होती हैं। आगे देखिए दोस्तों, मानव में पाचन। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि मानव जो है उसके अंदर पाचन कैसे होता है, क्या किन किन प्रक्रम से होकर जो भोजन है वो गुजरता है। तो देखिए दोस्तों, पहले ही है मानव अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। जैसे कि हमें सबको पता है कि हम अपने मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है, और बिना पचा भाग हम किसके द्वारा, बिना पचा भाग मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो मानव है वो अपने मुख से भोजन ग्रहण करता है और जो जितने भी उसके जो आवश्यक पदार्थ हैं उन्हें तो शरीर अवशोषित कर लेता है और जो बाकी बचा हुआ जो बिना प्रयोग किए हुए, मतलब कि अनवांछित जो मल है उसे, अनवांछित जो पदार्थ उन्हें किसके रूप में, मल के रूप में, मतलब कि लेटरिन के रूप में उसे बाहर निकाल देते हैं। भोजन एक सत्त नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा तक, मतलब देखिए दोस्तों, जो भोजन का जो पाचन क्या जो प्रक्रम है वो मुख से लेकर हमारे जो लेटरिन द्वार, मतलब कि जो गुदा है वहाँ तक जाकर ख़त्म होता है। तो हम इस नली को विभिन्न भागों में बांटते हैं, मतलब कि जो हमारे भोजन की जो एक नली है जो मुख द्वार से लेकर कहाँ तक जाती है, लेटरिन द्वार तक, मतलब कि साइंस की भाषा के अंदर गुदा तक जाती है। इसे जो ये जो इसका जो ये हिस्सा है मुख द्वार से लेकर गुदा तक का, इसे हम मतलब छः भागों के अंदर बांटेंगे। देखिए दोस्तों, वो कौन से भाग हैं। पहला तो होगा मुख गुहिका, मतलब जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रास नली का, जिसके द्वारा भोजन नीचे आमाशय तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। फिर आमाशय जिसके अंदर जाकर भोजन इकट्ठा होता है। फिर शूद्रांतर, मतलब कि छोटी आंत। शूद्रांतर क्या है, छोटी आंत जिसके अंदर भोजन का अवशोषण, मतलब कि जो पाचन होता है। फिर बृहदंत्र, मतलब कि बड़ी आंत। फिर मल द्वार जिसके द्वारा भोजन बाहर निकल जाता है। तो देखिए कौन से भाग थे, मुख गुहिका का जिसके द्वारा भोजन अंदर, फिर ग्रास नली का या ग्रासिका, फिर आमाशय के अंदर जाता, फिर शूद्रांतर या छोटी आंत के अंदर जाता, फिर उसके जो बचे हुए जो
मतलब अवशोषित जो बचे हुए पदार्थ हैं उन वे कहाँ से मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो देखिए इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पहले देखिए पाचक रस क्या होता है। लाला ग्रंथि यकृत अग्नाशय अग्नाशय पाचक रस स्रावित करते हैं। मतलब कि पाचक रस क्या होता है, लाला ग्रंथि यकृत और अग्नाशय पाचक रस है जो उसे स्रावित करते हैं। ये पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पाचन क्या होता है, कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया है या विखंडन करना उनका क्या कहलाता है, पाचन। ऐसे ही देखिए दोस्तों पाचक रस क्या होता है, ये जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल के रूप में बदल देते हैं। मतलब जो पाचक रस क्या होता है, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, ये जो पाचक रस किससे मिलता है, लाला ग्रंथि से, यकृत से और अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, मतलब उनसे निकलता है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र क्या है दोस्तों, जैसा कि अब हमने ऊपर पढ़ा था मुख गुहिका से लेकर जो मलद्वार तक का जो प्रोसेस है, भोजन कहाँ पचता है, क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब कि पाचन तंत्र क्या है, जो मुख गुहिका से लेकर मलद्वार तक का जितना भी जो प्रोसेस है वो पाचन तंत्र के अंदर आता है। इसकी डेफिनेशन देखिए दोस्तों, आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। मतलब जो आहार नाल है और ये जो आमाशय है, शूद्रांतर है और बृहदंत्र, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अंतर्ग्रहण, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। मतलब क्या है दोस्तों, अंतर्ग्रहण क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन लेने की जो प्रक्रिया है, मुख के द्वारा हम जो भोजन लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। और अंतर्ग्रहण मतलब मानव मुख किसके द्वारा होता है, मुख के द्वारा। शरीर के अंदर भोजन लेने की जो प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। और अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, मुख के द्वारा। हमारे मुख में एक लाला ग्रंथि होती है जो पाचक रस, लाला रस या लार स्रावित करती है, जिससे भोजन को चिकनाहट मिलती है। मतलब कि हमारे शरीर के हमारे मुख के अंदर एक लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस और लाल स्रावित करती रह लाला रस या लाल स्रावित लाल जो लार जो होती है हमारी, उसे स्रावित करती रहती है। भोजन नलिका, जैसे कि हमने देखे दोस्तों पहले पढ़ा था ग्रासिका, भोजन नलिका निकला हुआ हुआ ग्रास नलिका अथवा ग्रासिका के अंदर जाता है। मतलब जो भोजन है, जो हम भोजन जो निकलते हैं वो ग्रासिका के अंदर जाता है। मुख मुख के अंदर जो हमने भोजन लिया, फिर उस मुख गुहिका के अंदर जो भोजन लिया वो कहाँ गया, ग्रासिका के अंदर। और देखिए दोस्तों ग्रासिका गले में वक्ष, मतलब कि जो ये ग्रासिका है ये गले से लेकर हमारी जो छाती है वहाँ तक होती है। ग्रासिका की भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे, देखिए दोस्तों जैसा आपको पता है कि जो हमारा भोजन है वो नीचे क्यों जाता है, जो ये ग्रासिका है इसके अंदर लगातार संकुचन होता रहता है। मतलब कि ये ऊपर नीचे संकुचन होता रहता है, जिसके कारण हमारा जो भोजन है वो हम निगल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम भोजन किसकी सहायता से निगल पाते हैं, ग्रासिका के अंदर संकुचन के कारण। आगे देखिए दोस्तों, अब हम आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय क्या है, मतलब आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना, मतलब आमाशय एक जो थैलीनुमा संरचना है इसकी भित्ति मोटी होती है। इस ठीक है, यह चपटा एवं जेक आकृति का होता, मतलब यह क्या है, चपटा और जेक आकृति का होता है। आमाशय की मोटी भित्ति होती है थैलीनुमा संरचना, चपटा और जेक आकृति का होता है। ये पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि आमाशय का आकार कैसा होता है, चपटा और जेक आकृति का। इसका आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, जो आहार नाल का जो सबसे चौड़ा भाग है वो कौन सा है, आमाशय। ये एक ओर से ग्रासिका नली के अंदर और दूसरी ओर से शूद्रांतर के अंदर खुलता है। मतलब कि ये देखो, पहले जो भोजन चला था मुख गुहिका से, फिर ग्रासिका के अंदर, ग्रासिका से आमाशय, तो ये एक ऊपर से तो ग्रासिका से जुड़ा हुआ है, नीचे से किससे जुड़ा हुआ है, शूद्रांतर से। तो आगे देखिए दोस्तों, आमाशय आमाशय का आंतरिक स्तर, मतलब अब देखिए दोस्तों एक ओर से ग्रासिका नली से खाद्य पदार्थ करता है, ये ठीक है। आमाश्य का आंतरिक स्तर श्लेषम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करते हैं। मतलब जो आमाश्य के अंदर से कौन कौन से रस मिलते हैं हमें, एक तो श्लेषम आंतरिक स्तर, मतलब कौन से मिलते हैं, श्लेषमल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस। तो देखिए इनके काम क्या क्या होते हैं। श्लेष्मल आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता, जो श्लेष्मल होता है वो आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता, अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करता है,
पाचक रस या जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। मतलब ये पूछ रहे पाचक रस का क्या कार्य है, पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं या जो भी जटिल पदार्थ उनको विघटित कर देते हैं सरल पदार्थों के अंदर। आगे देखिए दोस्तों शूद्रांत्र क्या होता है। शूद्रांत्र देखिए जैसे कि हमने यहाँ देखा था क्या होता है शूद्रांत्र छोटी आँत। शूद्रांत्र क्या होता है छोटी आँत, जैसे कि हमने पढ़ा था शूद्रांत्र। शूद्रांत्र की लंबाई लगभग कितनी होती है, 7.5 मीटर शूद्रांत्र की लगभग लंबाई है। और कुंडलित नली है, मतलब कि ये कुंडली खाई हुई ऐसी ऐसे 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 नहीं हो, देखते हम चित्र के अंदर जो हमारे ऐसी ऐसी एक नली है, कुंडली खाए हुए ऐसे 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 एक नली है, इसे शूद्रांत्र मतलब इसकी लंबाई 7.5 मीटर है। इसे पूछ भी लिया जाता है दोस्तों शूद्रांत्र की लंबाई कितनी है, 7.5। ये करते हैं मग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित, मतलब अग्न जो छोटी आँत है वो क्या करती है, यह अकर्त यकृत मतलब कि एक जो ग्रंथि है यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, मतलब इसके अंदर जो आने वाले जो मेटेरियल है यो मतलब जो रस है वो किससे आता है, यकृत और अग्नाशय से प्राप्त करती है। इसके अंदर इसकी कुछ भित्ति भी मतलब जो रस स्रावित करती रहती है। आगे देखिए दोस्तों यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि, मतलब यकृत क्या है, यकृत एक गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली नुमा संरचना के अंदर। देखिए दोस्तों ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि यकृत का रंग कैसा है, गहरे लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि है, यकृत का क्या कर, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब शरीर की सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली नुमा संरचना के अंदर संग्रहित होता रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। ठीक है दोस्तों यकृत क्या है, गहरे भूरे लाल रंग की ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सा रस करती है, पित्त रस स्रावित करती रहती है। पित्त रस किसके अंदर चला जाता है, एक थैली नुमा संरचना के अंदर चला जाता है जिसे क्या कहते हैं, पित्ताशय जिसे कहते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों पित्त रस वसा के, हाँ ये जो है यकृत जो रस जो छोड़ती है पित्त रस, ये किस में सहायता करता है, पित्त रस पाचन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आगे देखिए दोस्तों अग्नाशय क्या है, यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, मतलब अग्नाशय क्या है, अग्नाशय देखो ग्राशिका से चले हम मुख गुहिका से ग्राशिका फिर आमाशय फिर शूद्रांतर अब आगे हम किसके बृहदंत्र अब आगे हम किसके अंदर अग्नाशय के अंदर। अग्नाशय क्या है, यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होती है, मतलब कि पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो आमाशय के नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं प्रोटीन पर क्रिया करता तथा इन्हें सरल रूप में परिवर्तित करता, मतलब कि अग्नाशय का क्या काम है, अग्नाशय जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन जो हमारे शरीर के अंदर हम जो अवशोषण करते हैं उसके ऊपर कार्य करता तथा इन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर हम ग्रहण करते हैं उसको सरल रूप में परिवर्तित कौन कर देता है, अग्नाशय। आगे देखिए शूद्रांतर में अवशोषण, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शूद्रांतर की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता, मतलब देखिए दोस्तों अब जो भोजन है वो मतलब सभी स्टेपों से गुजर चुका है जिसके अंदर वो आसानी से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल पदार्थों के अंदर परिवर्तित कर दिया गया, मतलब अब वो ऐसा बना दिया गया जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो और हमारे शरीर की जो रुधिर वाहिकाएँ हैं उनके अंदर मिल जाए। तो देखिए जो शूद्रांत्र का काम क्या है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करके उसे रुधिर वाहिकाओं में मिला देना, मतलब कि जो खून की हमारी जो वाहिकाएँ हैं उनके अंदर मिला देना और शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँचाना। ठीक है दोस्तों आगे देखिए दोस्तों शूद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान, मतलब जो शूद्रांत्र होता है उसकी आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान संरचना होती है जिन्हें क्या कहते हैं, दीर्घरोम अथवा रसांकुर, मतलब शूद्रांत्र के अंदर जो भित्ति है उसके अंदर जो अपनी उंगली है उसके समान कोई आकृति उभरी हुई आकृति है जिसे क्या कहते हैं, दीर्घरोम। दीर्घरोम का क्या कार्य है, दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु जल तल क्षेत्र बढ़ा देती, मतलब ये क्या करता है, जो पचा हुआ भोजन है उसके अवशोषण मतलब उसका जो अवशोषण है उसको सोख कर जो अंदर ले जाती है उसका जो क्षेत्र है उसको बढ़ा देती है,
ठीक है दोस्तों, दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण, हाँ ये जो दीर्घ रोम है ये क्या करता है, पचे हुए भोजन के अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता अथवा अवशोषण नहीं होता वह बृहद तंत्र के अंदर चला जाता है। ये मतलब कि जिस भोजन का जो पाचन नहीं होता ना वो कहाँ चला जाएगा, अब बृहद तंत्र के अंदर चला जाएगा। मतलब जिसका छोटी आंत के अंदर पाचन नहीं हुआ वो कहाँ चला जाएगा, बड़ी आंत के अंदर। तो देखिए दोस्तों, इस बृहद तंत्र शूद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, ये चौड़ी उसकी अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर। मतलब कि जो छोटी आंत की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 1.75, और ये जो बृहद तंत्र जो बड़ी आंत है इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों को अवशोषण करना। मतलब कि जो बृहद तंत्र का कार्य क्या है, मतलब जितना भोजन का जो पाचन होना था वो तो हो लिया, जो रुधिर वाहिका के द्वारा पहुंचा दिया था, लेकिन जो बचा हुआ जो जल एवं कुछ लवण उनका अवशोषण कौन करती है, हमारी बड़ी आंत। मतलब कि जो मैक्सिमम जो पाचन होना था वो तो छोटी आंत के अंदर हो लिया, लेकिन जो आगे बृहद तंत्र के अंदर क्या होता, जल और जो लवण बच गए उनका किसके अंदर होगा, अवशोषण बड़ी आंत के अंदर। ORS के घोल को जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। यह उबले पानी को ठंडा करके उसमें एक चुटकी नमक मिलाने से, मतलब जो ORS का घोल उसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं। यह कैसे बनता है, एक मतलब पानी उबाल लिया एक गिलास पानी उबालने पर उसके अंदर एक थोड़ा नमक डाल दिया और एक चम्मच चीनी डालने से ये तैयार हो सकता है। ये किसके अंदर काम आता है, जब बंदे के अंदर पानी की कमी हो जाती है उसे, मतलब कि जो पतली लेटरिंग आती है जिसे हमें दस्त बोलते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, रुमेन जहाँ जंतु घास को जल्दी जल्दी निकल कर भंडारित करते हैं। मतलब रुमेन क्या होता है, जैसे गाय भैंस जो हमारी है वो देखिए दोस्तों, मतलब वो चबा कर नहीं खाती, वो जल्दी जल्दी मतलब निकल जाती है, जो मशीन के रूप में अपने भोजन को एकत्रित कर लेती है अपने शरीर के अंदर। जहाँ वो एकत्रित करती है उस भाग को क्या कहते हैं, रुमेन कहते हैं। रुमेनिट में आमाशय चार भागों में बटा होता है। जो ये रुमेनिट जो जानवर है इनके अंदर जो आमाशय है वो कितने भागों के अंदर बटा होता है, चार भागों के अंदर। ये पूछ लेगा दोस्तों कि रुमेनिट में आमाशय कितने भागों के अंदर बटा हुआ है, चार भागों के अंदर। मतलब कि आपके हमारे द्वारा ये जो पढ़ाई गई एक एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, इसलिए बिल्कुल गहराई से पढ़ें। जुगाली करने वाले जंतुओं की रोमेनिट अथवा रोमांथी कहते हैं। मतलब ये पूछ ले कि जो जुगाली करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, रोमेनिट अथवा रोमांथी कहते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, या ये पूछ ले कि घास में किसकी प्रचुरता होती है, सेलुलोज की। तो देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल गहराई से मतलब NCERT पढ़ोगे तो बिल्कुल गहराई से कम्प्लीट होगा, लेकिन आप साथ के साथ इसका रिविज़न करते रहें और इसके नोट्स बनाते रहें ताकि एग्जाम के समय आप अच्छा स्कोर कर सकें और अपना सिलेक्शन है जो वो ले सकें। आगे देखिए दोस्तों, अब आगे हम पढ़ेंगे अम्बीबा। अम्बीबा में संभरण एवं पाचन, मतलब अम्बीबा के अंदर पाचन कैसे होता है। देखिए दोस्तों, अम्बीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशीय जीव, ये जो अम्बीबा होता है ये कैसा जीव है, इसके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होती है। अम्बीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती, मतलब जिसकी जो कोशिका अम्बीबा की जो कोशिका उसके अंदर एक कोशिका झिल्ली होती है। अम्बीबा नियंत्रित अपनी आकृति और स्थिति, ये जो है अपनी नियंत्रित मतलब लगातार आकृति और स्थिति बदलता रहता है। पादाप कृत इन्हें गति करने में, मतलब कि जो इसके जो कृत्रिमी पाव हैं, मतलब जो इसके जो नकली मतलब ये तुरंत जो बना लेता है कृत्रिमी पाव, वो इसे क्या करते हैं, गति करने में भोजन को पकड़ने में इसकी सहायता करते हैं। खाद्य पदार्थ इसकी खाद्य धानी के अंदर फंस जाते हैं, मतलब जो इसके खाद्य पदार्थ होंगे इसके अंदर फंस जाते हैं, खाद्य धानी के अंदर। तो देखिए अम्बीबा क्या है, जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशीय जीव है, ठीक है। इसकी अम्बीबा की कोशिका में एक अम्बीबा की जो कोशिका उसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है। अम्बीबा नियंत्रित मतलब लगातार अपनी स्थिति और आकार बदलता रहता है, ठीक है। इसके जो कृत्रिमी पाँव या पादाव जिन्हें आप बोलते हैं, गति करने या भोजन को पकड़ने में इसकी सहायता करते हैं। खाद्य पदार्थ इसकी खाद्य धानी के अंदर फंस जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों देखिए, जैसे ये पूछ लें अम्बीबा कैसा जीव है, एक कोशीय जीव है। अम्बीबा के अंदर कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। और या ये पूछ लें कि इसे शिकार करने और गति करने में कौन मदद करता है, तो कौन करता है, पादाब। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारे चैप्टर और अब हम इसके MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की पोषण प्रणाली क्या कहलाती है।
तो विषम पोषण, क्योंकि मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता इसलिए विषम पोषण कहलाती। अम्बिभा भोजन कैसे पकड़ता है? तो अम्बिभा भोजन पादाभ से पकड़ता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि अपने पादाभ से भोजन पकड़ता है। आगे देखिए दोस्तों, अमाशय की आकृति कैसी होती है? अमाशय की आकृति यू आकार की होती है। तो आगे देखिए दोस्तों, दंतक्षक का क्या कारण है, मतलब दंतक्षक का कारण क्या नहीं है जिससे हमारे दांत पड़ते हैं, उसका क्या कारण है? चॉकलेट खाने से दांत पड़ते, मिठाई खाने से, ठंडे पेय खाने से दांत पड़ते, लेकिन सलाद खाने से दांत नहीं पड़ते। तो देखिए दोस्त आगे, दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या लेना चाहिए? ORS का घोल, जैसे कि हमने पढ़ा था दस्त लगने पर ORS का घोल देना चाहिए। यह एक उबले हुए पानी के अंदर एक चम्मच चीनी व नमक मिलाने से तैयार किया जा सकता। अमाशय क्या स्त्रावित करता है? देखिए दोस्तों, अमाशय के बारे में हमने पढ़ा था कि अमाशय क्या स्त्रावित करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय स्त्रावित करता है। जो आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी पाचन रस ग्रंथि नहीं है? पाचन रस ग्रंथि मतलब जो पाचन के अंदर कार्य नहीं कर रही, यकृत करता, अग्नाशय करता है, और फुफ्फुस नहीं करती, फुफ्फुस इसके अंदर कार्य नहीं करती पाचन तंत्र के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? मतलब जैसे हमने पढ़ा था जिसे बड़ा तंत्र कहते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। और छोटी आंत की 7.5 मीटर। पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है? पहले तो हम भोजन ग्रहण करेंगे, मतलब कि अंतर्ग्रहण होगा सबसे पहले। और आगे देखिए दोस्तों, जीवन के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो दूध के दांत और दूसरे जो हमारे 8 साल के बाद आते हैं। आगे देखिए दोस्तों, पाचन में सबसे पहले क्रिया कौन सी होती है? अंतर्ग्रहण, ये हमने पढ़ लिया। और जीभ का क्या कार्य है? भोजन में लार रस को मिलाने, भोजन निगलने, भोजन के स्वाद को अनुभव करने, उपरोक्त सभी, मतलब भोजन का स्वाद भी उसके अंदर लाल मिलाते हैं और भोजन को निगलने में मदद करते हैं। जलीय प्राणी पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को भक्षण कैसे करते हैं? छान कर, मतलब जो जलीय प्राणी है वे पानी में तैरते हुए कणों को कैसे मतलब भक्षण करते हैं? छान कर। शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? खाद्य पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, खाद्य पदार्थ, नाइट्रोजन, मतलब खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होगी। आगे देखिए, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? विखंडन। और इसे क्या कहते हैं हम? पाचन। मतलब जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन या विखंडन होना क्या कहलाता है? पाचन भी कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, सर्प वंश के प्राणी भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो ये निगल कर भोजन को ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, कौन अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं? जीव जंतु प्राणी, मतलब कि जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष सीधे तौर पर, तो वे कौन है? प्राणी, जीव जंतु, सभी अपना पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्राणी भोजन अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? तो अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? मुख के द्वारा। प्राणी जो अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? मुख के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन चैप्टर, क्या था? जंतुओं में पोषण, जीवों में पोषण। तो देखिए दोस्तों, लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।